Leinster, go back! 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 Go back! Go back! Go back! Go back! Leinster, go back! Leinster, go back! Leinster, go back! Leinster, go back! जम्मू शहर में दिख रहा है परेड में चौक में हम लोग इस समय खड़े हैं। कैमरा घुमा करके देखेंगे, सारी दुकानें बंद है, शाना बशाना बंद है, किसी ने आकर के बंद नहीं करवाई है, लोगों ने अपनी मर्जी से आकर के बंद की है। अरे किसी के पेट पर लात मारोगे तो तकलीफ सबको होगी। अरे श्रीमान, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अरे क्या सोच है आपकी, किस प्रकार से नीति आप ड्राफ्ट करते हैं? कभी बार वालों के खिलाफ नीतियाँ हैं, कभी शराब वालों के खिलाफ नीतियाँ हैं, कभी छोटे ट्रेडर के खिलाफ नीतियाँ हैं, कभी माइनिंग माफिया के साथ वाली नीतियाँ हैं। बाहर से लोग आकर के यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, यहाँ वाले कहाँ जाएंगे, बाहर वो आने देंगे? अरे हिमाचल के अंदर, गोवा के अंदर, सिक्किम के अंदर, दार्जिलिंग के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, मेघालय के अंदर ये स्टोर नहीं खोले गए। और एक बात का उदाहरण देना चाहता हूँ, गोवा जहाँ पर पूरे विश्व का टूरिस्ट आता है, जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ जाकर के अपनी स्टोर खोलने की कोशिश की, या बाहर से कैब कंपनियों ने आकर के अपने स्टोर खोलने की कोशिश की, अरे 10 दिन का उन्होंने बंद किया, कुछ नहीं खोलने दिया। अरे बाहर से आकर के यहाँ लोग कमाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूर्ण तरीके से पूरे जम्मू ने आज इसे बंद किया है, पूर्ण समर्थन है। और आगे भी अगर इसी इस प्रकार की कोई भी नीति या बात जो है कानों में सुनने को पड़ेगी, ये बंद जो है आगे बढ़ेगा। जम्मू के लोग एकजुट है, कहने की जरूरत नहीं है, कैमरा घुमा करके कोई भी देख सकता है। और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, कृपया करके बंद करें। अरे पेट तुमको भी लगा, बच्चे तुम्हारे भी घर में है, गंदी राजनीति करना बंद करो। और पूर्ण समर्थन है इस बंद को। और अगर बात आगे बढ़ेगी तो 2008 का बम बम बोले सबको याद है, 2 महीने बंद किया था। परेड चौक में आने का मकसद ये है, यही से शुरू हुआ था 2008 का बम बम बोले, तो यही से शुरू होगी जम्मू की एजिटेशन रिलायंस के खिलाफ, अगर यहाँ के व्यापारी को मारने की कोशिश की। ये जो रिलायंस स्टोर यहाँ सो अपने स्टोरों को खोलने का प्रयास कर रहा है, और ये कहने की बातें की जा रही हैं हम कुछ स्टोर खोलेंगे, कल एक स्टेटमेंट आया, लेकिन मैं फिर कहने को दोहराने का प्रयास करना चाहता हूँ, जिसमें हर चीज़ें उपलब्ध होंगी, किराना होगा, सोना होगा, सब्जी होगी, दूध होगा, कोई ऐसी मनियारी होगी, कोई ऐसी चीज़ कि जम्मू की दुकानों पर बिकती है सारी वहाँ बेचेंगे, अरे लिफाफे तक सब कुछ वहाँ बेचेंगे वो, और जम्मू वालों के हाथ में बढ़ा देंगे घंटी, जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि जो रिलायंस स्टोर खोल रहे हैं ये हमको मान्य नहीं है। अरे हिमाचल के अंदर नहीं है, गोवा के अंदर नहीं है, त्रिपुरा के अंदर नहीं है, मेघालय के अंदर नहीं है, तो फिर जम्मू के अंदर क्यों है? और जब वो खुद कह रहे हैं कि हम 2-3 खोल रहे हैं तो सरकार उनको बुला करके माननीय एलजी महोदय, एलजी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, बुलाइए बैठ करके, जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं बैठ करके चर्चा करें, क्यों इसको ऐसी राह पर लगाने का प्रयास हो रहा है जिसमें तशद्दुद बढ़ रही है। ये जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी क्षेत्र है, या कुछ भी कल घटना घट सकती है, कोई ऐसी घटनाएं जिन घटनाओं का पाकिस्तान फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं मिलिटेंसी की, उसके ऊपर आंदोलन की बात चल रही है, ये बातें ठीक नहीं है। माननीय एलजी साहब हमेशा आप जम्मू के विषय के अंदर विचार करते रहे हैं, इसलिए आपसे मांग करना चाहता हूँ, कृपया करके सबको साथ में बिठाइए, आप बीच में बैठिए। मोदी जी हमेशा एक अच्छे कदमों की पालना का प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ ये बैठ करके इस समस्या का समाधान करें। और गरीब रेड़ी वाला, गरीब फड़ी वाला, गरीब दुकानदार, छोटा सा जिसको आगे से कोरोना ने मार दे दी है, वो त्राही माम कर चुका है, इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कृपा करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।